पूरी इंडस्ट्री की सारी खबरों से अपडेट होने के लिए हमें फॉलो करें खबरी पर। पहली बार पवन सिंह ने ये बताया क्यों वो हवाई जहाज से डरते हैं और क्यों वो अपने साथ 4 से 5 लोगों को लेकर चलते हैं जब वो हवाई यात्रा करते हैं। जी हाँ, यहाँ हवाई जहाज में बैठने की फोबिया को लेकर पवन सिंह ने खुलकर बात की। कपिल शर्मा ने उनका मजा लेते हुए ये कहा कि जब आप हवाई जहाज में सफर करते हैं तो अपनी बगल वाली सीट पर आप एयर होस्टेस के साथ बैठते हैं उसे पकड़कर। तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, है ऐसा कि मैं जब भी हवाई जहाज में सफर करता हूँ तो मैं अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर सफर करता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। तब कपिल शर्मा ने उनसे ये कहा, आप इसलिए 4 से 5 लोगों को लेकर बैठते हैं ताकि आप 4 से 5 लोग एक साथ अपनी ज़िंदगी गवा दें। अब इस बात पर पवन सिंह ठहाका मार के हंसने लगे। यहाँ तो मनोज तिवारी और रवि किशन की भी खूब खिल्ली उड़ी। आपको बता दें कि कृष्णा अभिषेक ने कहा कि वो रिंकिया के पापा क्या कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे ही। और तो और कृष्णा अभिषेक ने रवि किशन की एक्टिंग उतारते ही सबका दिल जीत लिया। फिर उसके बाद काजल राघवानी की अच्छी खासी कपिल शर्मा ने ले ली और उनसे ये भी पूछा कि आप नंगे पैर क्यों ज़्यादा शूट करती हैं। तब काजल ने बताया कि उनकी क्या प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंगे पैर ही शूट करती हैं। फिर उसके बाद वो आम्रपाली दुबे के पास गए। उन्होंने पूछा कि लगता है अब तक आपने निरहुआ के साथ 20 से 22 फिल्में कर ली हैं। तब आम्रपाली ने कहा कि मैं 32 फिल्में उनके साथ कर चुकी हूँ। तब कपिल शर्मा ने कहा कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हैं या निरहुआ इंडस्ट्री में। इस पर भी सभी ठहाके मार कर हंसने लगे। यानी आप कह सकते हैं कि इस बार कपिल शर्मा शो में, द कपिल शर्मा शो में आपको फट्टे मजा आने वाला है। हमने तो स्नीक पिक शॉट देखे हैं, स्नीक पिक जो भी इनके शॉर्ट्स आ रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर वो देख रहे हैं और हम हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं। तो यकीन मानिए जब ये शो टेलीकास्ट होगा तब हमें कितना मजा आएगा। वैसे ये पहली मर्तबा है जब पवन सिंह किसी इतने बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बने हैं। यहाँ पे पवन सिंह ने ये भी बताया कि क्यों बार बार बॉलीवुड से उन्हें ऑफर आ रहे हैं फिर भी वो रिजेक्ट करते जाते हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें काफ़ी डर है, वो मीडिया अटेंशन नहीं चाहते, वो दूर रहना चाहते हैं, उन्हें कोई भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी हो उसमें अगर वो खींचे जाते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं। खैर, ये तो सभी को पता है कि कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहना चाहते हैं पवन सिंह भाई। यकीन है आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।